वहीं छत्तीसगढ़ बीजापुर में पर्यावरण संरक्षण और बस्तर की जीवन रेखा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इंद्रावती नदी में महाआरती की गई। बता दें कि वहीं भोपाल पटनम में भारी भीड़ ने इंद्रावती नदी की महाआरती देखी और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। दरअसल कलेक्टर ने भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा के दिन इंद्रावती नदी के तिमेड़ घाट पर महाआरती आयोजित करने के निर्देश दिए थे। पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने बताया कि हरिद्वार में गंगा तट पर गंगा आरती की जाती है, वहीं वाराणसी और जबलपुर में नर्मदा के तट पर मां नर्मदा की आरती की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही भोपाल पटनम में इंद्रावती नदी के तिमेड़ घाट पर भी ऐसी ही महाआरती की गई। इसके साथ ही कलेक्टर अनुराग पांडे ने धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य आयोजनों सहित नागरिकों के उपयोग के लिए इंद्रावती नदी पर 35 लाख की लागत से घाट निर्माण की घोषणा की। जिला प्रशासन का पहल और स्थानीय जनमानस का इसमें इच्छा रखना और पहल करके आगे आना, ये दर्शाता है कि पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूक है। जिस तरह से इंद्रावती बस्तर की जीवनदायी नदी कहा जाता है, खासकर सबसे बड़ा अगर बात करें तो सबसे अगर लंबा इसका अगर सफर अगर है तो मुझे लगता है बेंगलुरु के बोधघाट से लेकर भद्रकाली तक का जो सफर है इंद्रावती का, बीजापुर जिले को संपूर्ण उद्धार करके माँ इंद्रावती का होता है। और मान्यता के अनुसार हम सब आदिवासी रूप में प्रकृति पूजा भी करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए अच्छी बात है और एक नई पहल हुई। और पर्यावरण प्रति जिस तरह से माननीय मोदी जी माँ के नाम एक पेड़ जब लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इंद्रावती किनारे उनको संरक्षण करने के लिए भी हम सब आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर जितने आज ग्रामीण आए थे आज सबको साधुवाद देता हूँ, साथ ही साथ आज प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा है उसकी भी शुभकामनाएं देता हूँ। नदियों का हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व है, इसे सब जो है पुण्य सलीला मान के जो है हमेशा जो पूजन होता रहा है। लेकिन इसके साथ जो धार्मिक जो भी इसके कारण रहे हैं उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो है नदियों को जो है पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े इनका योगदान है। साथ ही जो है नदियाँ स्वच्छ रखें, इसके लिए जो है जल स्रोत स्वच्छ रहें, इसके लिए विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, नागरिकों को संदेश दिया जाता है। इसी कड़ी में अभी रथ यात्रा के शुभ दिन बीजापुर के भोपालपट्टनम में तिमेड़ घाट पर इंद्रावती नदी की आरती का कार्यक्रम आयोजन किया गया। ये प्रथम आयोजन था जिसमें हजारों लोगों ने अपनी सहभागिता दी, सभी ने नदियों को पूजन किया है। और हमारी संस्कृति में जिस चीज़ को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिनका हम बहुत आदर सम्मान रखते हैं, उनका हम पूजन करते हैं, तो उसी के तारतम्य में ये कार्यक्रम आयोजित था। और हम इस बार एक बार पुनः जो अपने आप को पर्यावरण और नदियों की स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए कृत संकल्पित हैं।